तो काफी सारी आवाम इकट्ठी हो गई है 245 तक। आज की क्लास शुरू करते हैं, 230 पे आने की कोशिश किया करें ताकि हम टाइम पे स्टार्ट कर लिया करें। ठीक है। अच्छा जी, तो आज हमने पढ़ना है सैलरी के अगले पार्ट। तो सरफराज के अलावा बाकी लोगों के पास होने के क्या इरादे हैं जी? बाकी लोग पास नहीं होना चाहते या होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं तो प्रैक्टिस किए बगैर कैसे पास होंगे? मैं आपको ये बता रही हूँ कि यूं क्लासे लेने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लिटरली मतलब कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का, क्योंकि वो चीज आपने आज समझी लेकिन क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपने याद नहीं किया, ठीक है, तो वो चीज आपको भूल गई। जब आप एग्जाम फीस में पहली मरतबा दोबारा किताबें खोलेंगे तो वो चीज ऐसे ही होगी जैसे आपने कभी पढ़ी नहीं थी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग पास होना चाहते हैं तो साथ साथ पढ़ें। ठीक है। अच्छा, अब मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि मिस कौन सी असाइनमेंट की बात कर रही हैं आप कयूम के साथ। तो जी, कयूम के साथ मैं ये बात कर रही थी कि हम सब की अंग्रेजी जो होती है वो माठी होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उर्दू स्पीकिंग कंट्री से हैं, अंग्रेजी हमारी मादरी जुबान नहीं है। इस वजह से अंग्रेजी कैसे इंप्रूव करनी है? पहली बात तो ये कि अंग्रेजी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं भी नौकरी करेंगे, कहीं पे भी रिश्ता मांगने जाएंगे, यानी कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में जो भी इंपॉर्टेंट काम है ना, जब कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो हम उससे ज्यादा इंप्रेस होते हैं। तो उसका एक आसान तरीका तो अंग्रेजी सीखने का यह है कि मेरे एक कुलीग होते थे, उनसे आप कोई बात कर लें और आप उनसे कहें कि उर्दू में अगर तुम जवाब दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा उर्दू में बात करने की, तो वो फिर भी उर्दू में बात नहीं करते थे, वो सिर्फ अंग्रेजी में ही जवाब देते थे हर बात का। ठीक है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स भी नितारी कर लेना अपने ऊपर, लेकिन सबसे आसान तरीका किसी भी जुबान को सीखने का यह है कि आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको बोलें। और फिर मैं ये सोच रही थी कि जैसे आर्मी के कैडेट्स होते हैं, तो आर्मी के कैडेट्स एक साल के अंदर अंदर, एयरफोर्स के कैडेट्स, नेवी के कैडेट्स एक साल के अंदर अंदर इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत अच्छा किस्म का जो है ना प्रेशर होता है उनके सीनियर्स का कि उनकी प्रमोशन नहीं होगी। यानी जब आपको कोई खतरा या जान होता है ना कि कोई चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए और नहीं मिलेगी अगर मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, तो आप खुद ब खुद ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये कि रोजमर्रा में बोलने की आदत डालें थोड़ी बहुत कहीं पे भी, ठीक है जी, और लिखने की आदत डालें तो आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी इंप्रूव होगी। जो आई कैप हमें इंग्लिश के कोर्सेज कराता है, फंक्शनल इंग्लिश के और पीसीएसई, उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उससे किसी को अंग्रेजी नहीं आती, वो बस ड्रामे आई कैप के। तो आई कैप जो है, हाँ जी, उस्मान जो है ना वो सीरियस हो गए हैं क्योंकि वो शादी के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं कि शादी के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है उस्मान, लेकिन जॉब पे भी इट मैटर्स अ लॉट। जब आप इंटरव्यू देते हैं, इस तरह की चीजें जब आप क्लाइंट पे जाते हैं, तो किसी को भी अगर आपने इंटिमिडेट करना हो कि मैं बड़ी चीज हूं, तो हमारे यहाँ पे यही है अनफॉर्चुनेटली, एक बड़ा गलत किस्म की ये चीज है हमने कि कोई अंग्रेजी बोले तो हम फौरन उससे दब जाते हैं। और इंडिया में अगर आप किसी रेडी वाले के पास भी जाएंगे तो रेडी वाला भी अंग्रेजी बोलता होगा, ठीक है, उनका एजुकेशनल सिस्टम जो गोरे एजुकेशनल सिस्टम छोड़ के गए थे वो उसी एजुकेशनल सिस्टम को चला रहे हैं, इसलिए वो उनका बच्चा बच्चा कूड़े वाला भी जो है ना उनका वो अंग्रेजी बोलता है, बिल्कुल ठीक ठाक अंग्रेजी बोलता है। और हम अनफॉर्चुनेटली ना ही हमें अंग्रेजी पूरी आती है और ना ही हमें उर्दू आती है और ना ही हमें पंजाबी आती है। एक ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है हम लोगों में कि हम पंजाबी बोलने को बड़ा मायूब समझते हैं, हालांकि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारी ये जुबानें भी नहीं भूलनी, दुनिया के साथ भी चलना है लेकिन अपनी जुबानें भी आनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे एजुकेशनल सिस्टम का ये है कि जो चीज हमें सबसे पहले सिखाई जानी चाहिए वो कोई किसी स्कूल में पढ़ाता ही नहीं है, अनलेस के कोई मदरसे में पढ़ता हो। हमें ना ही अरबी सिखाई जाती है और ना ही कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है, हालांकि मेरे ख्याल से इस्लामियात के सब्जेक्ट के बजाय, ठीक है,
इस्लामियात के सब्जेक्ट के बजाय हमें अगर वो तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा दें तो शायद हमारी इतनी गैरत जाग जाए कि हम उस पर अमल भी करना शुरू कर दें। तो बहुत अच्छी बात है जो लोग हाफिज हैं, लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करूंगी कि हाफिज होना माशाल्लाह बड़ी बहुत अच्छी बात है, बड़ी मेहनत की बात है, लेकिन कोई भी चीज रटना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने उसको याद कर लिया तो ये इसमें कोई कमाल नहीं है। जैसे अगर आप टैक्स का पेपर याद कर लेंगे सारी किताब, तो आप तब तक आपकी आउटपुट जीरो है जब तक आप टैक्स की किसी और को नहीं समझा सकते या आप टैक्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसी तरह हम कुरान पाक याद तो कर लेते हैं लेकिन हम उसको प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात मुझे ये बताई थी कि हम सिर्फ वो चीजें प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ वो सूरतें पढ़ते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है अल्लाह मियाँ से। नमाज भी हमें तभी याद आती है जब अल्लाह मियाँ से कोई जरूरत होती है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि इंसान जो है वह नाशुकरा होता है, वो फौरन अल्लाह मियाँ का एहसान भूल जाता है। तो सिर्फ चीजें पढ़ लेने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उनको प्रैक्टिस ना करें। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, काफी देर हो गई है इस लेक्चर में। कन्वेंस से शुरू करते हैं क्योंकि कल हमने यूटिलिटीज पे खत्म किया था। तो कल तो हमने बड़े आसान आसान ट्रीटमेंट्स पढ़े थे कि वैल्यूज को सीधा सीधा आप टैक्सेबल इनकम में सीधी सीधी उनकी वैल्यू लिख देते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाती है, उनके ऊपर आप टैक्स रेट लगाते हैं स्लैब रेट और आपका टैक्स निकल आता है, या आप पिछले तीन साल का एवरेज रेट ले लेते हैं, या जिस साल का टैक्स सैलरी इन एरियर्स केस में आप पिछली अमाउंट का टैक्स उठा लेते हैं। तो आज हम सैलरी में पढ़ेंगे कुछ और पर्क्स, और पर्क्स इजाज आप नोट करें कि मैं पर्क्स आपको किताब के ऑर्डर में नहीं पढ़ा रही, आपने किताब पे साथ साथ मार्क करना है कि मैंने कौन कौन सा पढ़ा दिया है। मैं ऑर्डर में इसलिए नहीं पढ़ा रही कि मैं आपको उस ऑर्डर में पढ़ा रही हूँ जो आई कैप पूछता है, जो चीजें आई कैप सबसे ज्यादा पूछता है वो हम पहले पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सारा कुछ इस चैप्टर का, लेकिन बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और चैप्टर का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि जब सैलरी का न्यूमेरिकल आता है इंडिविजुअल का तो वो क्रेडिट्स का भी पूछता है, तो जो सैलरी से रिलेटेड क्रेडिट्स हैं वो भी हम यहीं पे पढ़ लेंगे ताकि हमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए, ठीक है जी। तो हम कन्वेंस से शुरू करते हैं। कन्वेंस का मतलब है कि आपने जब दफ्तर आना जाना होता है तो उसके लिए अगर कोई पैसे या गाड़ी अगर आपको दफ्तर की तरफ से मिली हुई अगर तो पैसे मिलते हैं तो कन्वेंस अलाउंस है, तो आप उसको अलाउंस के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपको दफ्तर की तरफ से गाड़ी मिलेंगे, जब आप लोग सारे क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे तो सबको दफ्तर की तरफ से गाड़ियां मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब आपको गाड़ी मिली है, बेशक आप डायरेक्टर हैं या आम एम्प्लॉई हैं नौकर हैं कंपनी के, तो आपने उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, बेनिफिट की वैल्यू। अब ऐसे बेनिफिट हम पढ़ने लगे हैं जिनकी सीधी सीधी वैल्यू नहीं निकलती, उनके ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन लगानी पड़ती है। तो अगर तो आपको गाड़ी मिली हुई है जो आप कुछ पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और दफ्तर जाने के लिए भी वही इस्तेमाल करते हैं, तो अगर तो वो गाड़ी ओन्ड है यानी कि कंपनी की है, तो फिर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर, जितने की एम्प्लॉयर ने ली थी उसका 5% जो है वो टैक्स होगा, आपकी सैलरी में एड होगा। और अगर वो लीज पे है तो 5% जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस गाड़ी की उस लीज के शुरू में, ठीक है, यानी कि लीज, क्योंकि लीज में इंटरेस्ट का एलिमेंट भी एडेड होता है, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है गाड़ी की लीज के शुरू में उसका 5% आपकी सैलरी में एड होगा, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। लेकिन क्योंकि कुछ बेनिफिट पर्सनल कामों के लिए वो टैक्सेबल है, जो गाड़ी आप दफ्तर आने जाने के लिए या दफ्तर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्योंकि टैक्सेबल नहीं है, आप दफ्तरी काम कर रहे हैं आपको कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये कम रेट ऑफ टैक्स पे है। और अगर आप सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो ओन्ड है तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर लीज्ड है तो 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। और अगर सिर्फ दफ्तरी काम के लिए इस्तेमाल होती है वो गाड़ी तो आपकी सैलरी में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, क्यों जी, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कन्वेंस में पर्सनल है, ऑफिशियल है, और ये साथ साथ बनाते जाएं अपने हाथ से ताकि अपनी राइटिंग आप लोगों को बाद में यूज हो, बाद में समझ आए, ठीक है, या
अगर दोनों है तो हमने देखा कि फिर इसमें आपको गाड़ी की कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू लेके वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो टैक्सेबल है। तो ऑटम 14 के क्वेश्चन में सुल्तान साहब जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं अंसारी इलेक्ट्रिकल कंपनी के, और उनका टैक्स ईयर खत्म हुआ है 30 जून 2014 को, यानी कि ये टैक्स ईयर 2014 है। तो उन्होंने पूछा कि टैक्स ईयर 2014 के लिए उनकी टैक्सेबल इनकम बताएं। उनको कहा है कि उनको उनकी जो अपनी पर्सनल कार है, तो उनकी जो भी कंपनी जिसके लिए वो काम करते हैं AECL, उसने कहा है कि आप अपनी जाती गाड़ी दफ्तरों के काम के लिए भी इस्तेमाल कर लिया करें। तो हम क्या करेंगे, हम आपको कार की जो पेट्रोल का और मेंटेनेंस का खर्चा है वो 550,000 रुपीज का दे दिया करेंगे, और ये जो 15% ऑफ द एक्सपेंसेस हैं ये पर्सनल कामों के लिए। तो आपको टोटल कितना खर्चा मिला है ऑफिस की तरफ से, 550,000 का, लेकिन उसमें से 15% जो है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये टिपिकल सवाल नहीं आया है, उसने ना ही आपको गाड़ी की कॉस्ट बताई है ना ही फेयर मार्केट वैल्यू बताई है। उसने कह दिया है कि बजाय के ऊपर वाली कैलकुलेशन कन्वेंस की, उसके बजाय दफ्तर की तरफ से आपको खर्चा मिला है 5.5 लाख का, उसमें से 15% टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो आपने अपने पर्सनल कामों, उसमें से सिर्फ 15% टैक्सेबल है क्योंकि वो आपके पर्सनल यूज के लिए था, जो बाकी 550,000 का जो खर्चा था वो क्योंकि दफ्तर के कामों के लिए था तो वो टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ पर्सनल वाला 15% टैक्सेबल है। स्प्रिंग 13 का क्वेश्चन है कि मिस्टर क्रिएटिव जो है वो HR के डायरेक्टर है, और उनको क्या बेनिफिट्स मिले हुए थे कंपनी की तरफ से। उनको एक 1800cc कार मिली हुई थी कंपनी की, और कंपनी ने 2 साल पहले वो कार खरीदी थी 1.6 मिलियन की कॉस्ट पे, और ये दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है, ऑफिशियल भी और पर्सनल भी। तो जब ओन्ड कार होती है तो 1.6 मिलियन की कॉस्ट पे 5% लगाएंगे क्योंकि ये दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है। फिर ऑटम 12 का क्वेश्चन है कि बीना सिकंदर एक वकील है और उनकी लॉ फर्म है, और उनको क्या एक एक कंपनी की वो डायरेक्टर भी है आयशा फूड लिमिटेड की, तो आयशा फूड लिमिटेड उनको क्या देती है। हमने ऊपर पढ़ा था कि एम्प्लॉई में बेशक वो एम्प्लॉई डायरेक्टर है, अगर उसको गाड़ी मिली हुई है तो इनको गाड़ी मिली हुई है, पर्सनल कामों के लिए भी इस्तेमाल करती है, बिजनेस के कामों के लिए भी, और कार जो है वो उनकी कंपनी ने अक्वायर की थी, कॉस्ट की थी 2 मिलियन की, और फेयर मार्केट वैल्यू जो कार की है वो 1.5 मिलियन की है। तो हमने देखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ लीज के केस में यूज होती है, यहाँ पर उन्होंने आपको दोनों वैल्यूज दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑटम 11 का क्वेश्चन है, मिस्टर खुर्शीद साहब जो हैं वो CFO हैं और उनकी इनकम के बारे में बताया गया है कि वो 31st यानी कि 6 महीने के लिए वो एम्प्लॉयड थे। उनको एक कंपनी मेंटेन्ड कार मिली हुई थी ऑफिशियल कामों के लिए भी, पर्सनल कामों के लिए भी। 2 साल पहले वो गाड़ी खरीदी गई थी 5 मिलियन की कॉस्ट पे, और कंपनी क्या करती है, कंपनी पर मंथ 10,000 डिडक्ट करती है उनकी सैलरी में से फॉर प्राइवेट यूज ऑफ द कार, ठीक है। तो अब इसमें आप दो चीजें निकालेंगे, पहले उनको एक तो ऑफिशियल और प्राइवेट यूज के लिए उनकी कंपनी ने दिया हुआ है उनको, तो 5 मिलियन की कॉस्ट के ऊपर उनको फायदा जो निकल रहा है वो उनकी सैलरी में टैक्सेबल होगा, लेकिन क्योंकि 10,000 पर मंथ उनकी सैलरी में से भी कट रहा है तो ये इतनी 10,000 पर मंथ की अमाउंट टैक्सेबल नहीं है क्योंकि इतना फायदा उनको नहीं पहुंच रहा, तो ये अमाउंट आपने माइनस करनी है फिर, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो हम इनके सोल्यूशन, अब मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम किस तरह से ट्रिक्स आती है, और इसीलिए सोल्यूशन आपके साथ साथ सॉल्व करी हूँ ताकि जब आप बाद में खुद से बैठ के असाइनमेंट्स करें तो आपको ये ना लगे कि कुछ भी समझ ना आ रही हो, ठीक है। लेकिन सिंस हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है तो हम इनको डिस्कस जरूर करें ताकि आपको समझ जरूर आए कि ये आई कैप में किस तरह से टेस्ट होते हैं और आपने कैसे जल्दी जल्दी इनका सोल्यूशन देना है। तो आज के भी जो असाइनमेंट हैं उनका सोल्यूशन आपने उसी फॉर्मेट में देना है कि आपने पहले जो हेडिंग्स लिखनी होती हैं तीन, फिर आपने तीन लाइनें ड्रॉ करके 4 कॉलम्स के अंदर प्रॉपर रेफरेंसिंग और वर्किंग्स करके, क्योंकि अब आपको वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, आपने वर्किंग्स करके और रेफरेंसिंग करके असाइनमेंट सबमिट करानी है बिल्कुल वैसे जैसे आप आईकैप के पर्चे में करके आएंगे ताकि आपको अभी से पर्चा हल करने की आदत पड़ जाए।
तो मिस्टर मतीन जो थे वो मेलेडी लिमिटेड के ऑर्गेनाइजर थे और उनको अपनी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से क्या मिला हुआ था जी, उनको एक फर्स्ट 2 महीनों के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिली हुई थी एट अ मंथली रेंट ऑफ 25,000 रुपीज। तो कंपनी उनको पिक एंड ड्रॉप देती थी और 25,000 पर मंथ उनको पे करना पड़ता था। सितंबर 1, 2001 को उनकी कंपनी ने उनको 1300 सीसी की कार दी जो कुछ दफ्तरी कामों के लिए और पर्सनल कामों दोनों के लिए इस्तेमाल होती थी और कॉस्ट 1.5 मिलियन थी। तो जो मंथली रेंट था 25,000 का, अगर तो उन्होंने अपनी जेब से दिया है तो फिर तो वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है, वो उनकी सैलरी में कोई डिडक्शन माइनस नहीं होती, इस वजह से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिर्फ जो उनको फायदा मिला बाद में, जब उनको 1300 सीसी की गाड़ी मिल गई थी तो उस पर जो फायदा था कन्वेंस का, वो आप कैलकुलेट करेंगे 5% ऑफ कॉस्ट पे। ऑटम 10 का क्वेश्चन है, तो आप ये देख रहे हैं कि वो जब भी न्यूमेरिकल पूछता है, वो जब भी न्यूमेरिकल पूछता है तो आप देख रहे हैं कि गाड़ी उसका फेवरेट टॉपिक है, वो गाड़ी के बारे में जरूर पूछता है। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, यूटिलिटीज अलाउंस है जी, 10 मंथ्स पे निकलेगा इनका क्योंकि 2 महीने के लिए इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली हुई थी। और फिर इसके बाद इनको 2 कंपनी की तरफ से गाड़ियां मिली हुई थी, एक जो गाड़ी थी उनको एक नहीं उनको दो दो गाड़ियां मिली हुई थी दफ्तर की तरफ से। एक गाड़ी जो थी वो 3 मिलियन की उसकी कॉस्ट थी और वो सिर्फ बिजनेस पर्पजेस के लिए यूज होती है, तो ये टैक्सेबल नहीं है क्योंकि इससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा। जो दूसरी गाड़ी थी वो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती थी और वो लीज थी और लीज के शुरू होने के टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू थी 1.8 मिलियन की। तो ये पहली मरतबा लीज का आया है कि जब लीज कार होती है तो फेयर मार्केट वैल्यू पे 5% लगेगा क्योंकि वो दोनों पर्पजेस के लिए गाड़ी इस्तेमाल होती थी। स्प्रिंग 09 का क्वेश्चन है कि उनको एक कंपनी मेंटेन कार मिली थी जो पार्टली दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती थी, ऑफिशियल भी पर्सनल भी, और लीज गाड़ी थी और उन्होंने आपको ग्रॉस लीज रेंटल्स दिए हैं 2.7 मिलियन के और फेयर मार्केट वैल्यू बताई है 1.6 मिलियन की। तो आपने सिर्फ यह कॉस्ट लेनी होती है। अच्छा, तो जिल्ले का बड़ा अच्छा सवाल है कि मिस मेडिकल अलाउंस तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो जिल्ले आपको जो लगता है ना सही, आप मेडिकल अलाउंस वैसे ही ट्रीट कर लें, ठीक है। जब आगे आप आज मेडिकल अलाउंस पढ़ेंगे तो या तो वो टॉपिक याद कर लेना, या अगर अभी तक नहीं पढ़ा नहीं तब याद रहेगा जब ये सॉल्व करोगे, तो अपनी मर्जी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 1.6 मिलियन की जो है वो लीज की अमाउंट थी और टोटल लीज रेंटल्स जो होटल ने पे किए थे वो 8 लाख के थे। तो आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, आपने सिर्फ देखना है कि फेयर मार्केट वैल्यू की कितनी वैल्यू मैंने फेयर मार्केट वैल्यू उठानी है, ठीक है जी। तो आपने देखा कि गाड़ी जो है वो उसका फेवरेट टॉपिक है, जरूर टेस्ट होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, बार बार करेंगे तो हिफाज हो जाएगा, ठीक है। फिर अकोमोडेशन, तो अच्छी कंपनियां आपको रिहायश की फैसिलिटी भी देती हैं, या तो घर ले देती हैं या फिर पैसे देती हैं कि इतना अपना किराया दे देना, ठीक है जी। अगर अकोमोडेशन, और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन लेक्चर में क्योंकि आप टीचर को नहीं देख रहे होते और टीचर आपको नहीं देख रहा, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी बात कंटिन्यूअसली सुन रहे होते हैं, क्योंकि खास तौर पर ऑडिट का लेक्चर इतना बोरिंग होता है कि अक्सर लोगों का दिमाग जो है ना, जैसे नमाज में हमारा दिमाग तो आगे पीछे चला जाता है ना, तो पढ़ते पढ़ते भी दिमाग आगे पीछे चला जाता होगा। तो जैसे ही आपका दिमाग आपको थोड़ी सी नींद आना शुरू करे तो आप क्या क्या करें, आप फौरन से थोड़ा सा पानी पी लिया करें, साथ पानी रखा करें, एक घूंट पानी पिया करें, आपकी दोबारा फोकस हो जाएगी अटेंशन इस तरफ। तो अकोमोडेशन या हाउसिंग अगर प्रोवाइड की हुई है तो कितनी अमाउंट सैलरी में ऐड करनी है, आपने 2 वैल्यूज कंपेयर करनी है और उनमें से जो ज्यादा होगी वो अब उस बंदे की सैलरी में ऐड करनी है। पहली अमाउंट क्या है, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इन केस इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि अगर ये अकोमोडेशन ना दी जाती, ये घर ये रिहायश ना दी जाती उस बंदे को, इसके बजाय उस बंदे को कुछ पैसे दे दिए जाते तो कितने पैसे होते। एक वो पैसे कंपेयर करने हैं और दूसरा उस बंदे का 45% ऑफ द मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ द बेसिक सैलरी और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी इफ देयर इज नो एमटीएस। तो एमटीएस जो है ना उसकी वैल्यू, इस एमटीएस इस तरह की चीज होती है, खासतौर पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी इस तरह की एमटीएस होती है, मिनिमम टाइम स्केल होता है, के
इतनी वैल्यू से लेकर इतनी में उनकी सैलरी, इस कैडर का जो बंदा है ठीक है, उसकी सैलरी जो है जब वो बंदा इस पोजीशन पे आएगा तो उसकी सैलरी स्टार्ट होगी 4900 रुपीज में और हर साल उसकी सैलरी बढ़ेगी 800 रुपीज और मैक्सिमम उसकी सैलरी बढ़ सकती है 8500 तक अगर वो इसी पोजीशन पे रहता है। अगर प्रमोट हो जाएगा तो उसका मिनिमम टाइम स्केल भी चेंज हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनीज में तो मैंने कभी मिनिमम टाइम स्केल नहीं देखा, ये यूजली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का होता है ठीक है। तो अगर आपको कोई मिनिमम टाइम स्केल नहीं है तो आपने बेसिक सैलरी का 45% देखना है। तो आपने दो अमाउंट्स कंपेयर करनी है, 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, तो मिनिमम जो है वो कम वाली वैल्यू होती है, या फिर 45% ऑफ बेसिक सैलरी। और दूसरी अमाउंट कौन सी है कि अगर रिहायश ना दी गई होती तो फिर जो अमाउंट आपको पे की होती उस उन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा है वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपका असली वाला जो आपको फायदा हुआ है आपकी वो टैक्सेबल होगी। तो हमने अकोमोडेशन के बारे में पढ़ लिया। पर्सनल अगर है, अगर पर्सनल इस्तेमाल में गाड़ी तो 10% है, अगर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है तो 0% है, और अगर दोनों कामों के लिए है तो 5% है। उसके बाद अकोमोडेशन में आपने हायर देखना है, किन दो वैल्यूज का, 45% का, और अमाउंट, इसको अमाउंट लिख देते हैं। उसके बाद है सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से पढ़ा था कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम आपके एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया है और वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम आपका रेंट चार्ज कर रहा है या कोई रेंट आपको चार्ज नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आपको एक बेनिफिट पे हो रहा है। कितना बेनिफिट पे हो रहा है, जो भी उस जगह की फेयर मार्केट वैल्यू था रेंट का, अगर कोई आपकी जगह कोई और बंदा का रह रहा होता उससे जितना रेंट लिया जाता फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक, तो उतना फायदा आपको मिल रहा है। तो फिर वो जो रेंट नहीं लिया जा रहा है, कम लिया जा रहा है, वो एम्प्लॉयर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। वो क्योंकि असल में बेनिफिट किसको है, एम्प्लॉय को है, इसलिए वो एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी में आएगा। तो यहाँ पे सेल्फ हायरिंग का मतलब है अपना ही मकान अपने आप को किराए पे देना। अगर कोई एम्प्लॉय या उसका हस्बैंड या उसकी बीवी जो है वो ओनर है किसी बिल्डिंग की, ठीक है जी, वो किसी मकान के ओनर है और उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को बोला है कि तुम हमें अकोमोडेशन के पैसे देने के बजाय ऐसा करो कि हमारा ही मकान हमें किराए पे दे दो, ठीक है जी, यानी कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो फिर आपका क्या, कितना बेनिफिट टैक्सेबल होगा, जो रिसीट ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग था, यानी कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होनी थी एम्प्लॉयर की अगर वो आपसे रेंट लेता, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में चार्जेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई रेंट रिसीव हो रहा है उस बिल्डिंग का एम्प्लॉय को या उसके हस्बैंड या वाइफ को, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी रेंट अगर रिसीव हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किसकी होगी, एम्प्लॉय की या उसके स्पाउस की, क्योंकि वो उनको रिसीव हो रहा है, क्योंकि वो उनका अपना घर था अगर वो आपसे, अगर वो कंपनी से रेंट ले रहे हैं, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर ने उसको रेंट फ्री प्रोवाइड किया हुआ है अकोमोडेशन को, तो फिर ये बेनिफिट है। और जितना उसका फेयर मार्केट वैल्यू उस मकान की थी अगर वो रेंट फ्री ना होता तो वो सैलरी में ऐड हो जाएगी। तो इसमें दो सिनेरियोज हैं कि जो एम्प्लॉई या उसकी हस्बैंड या वाइफ का मकान जो उसने कंपनी को दिया हुआ था, अगर तो वो उस पर रेंट लेते हैं कंपनी से तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर वो कोई रेंट नहीं लेते कंपनी से, ना कंपनी उनसे कोई पैसे लेती है ना वो कंपनी को कोई पैसे देते हैं, कोई बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो रहा, रेंट फ्री है, उन्होंने अपना ही मकान अपने आप को किराए पर दिया हुआ है और कंपनी से उनको ये बेनिफिट है कि उनको किसी और मकान का किराया नहीं देना पड़ता, तो ये परसेंटेज जो है उनकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू पे, ठीक है जी। तो दूसरा हमने सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ ली, और इसमें दो केसेस हो सकते हैं, अगर तो कोई रेंट है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी है, एम्प्लॉई की,
और अगर नो रेंट है तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो सैलरी बन जाएगी एम्प्लॉय की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज है कि एक एम्प्लॉयर जो था, यानी कि जो कंपनी थी, उसका रिहायशी मकान था और उसने अपने एम्प्लॉय को दे दिया है और वो कोई रेंट नहीं लेता, तो फिर क्या होगा? जो फेयर मार्केट रेंट था या जो 45% ऑफ बेसिक सैलरी था, विच एवर इज हायर, तो यहां पर अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू या फिर 45% जो था, विच एवर इज हायर, तो हायर के लिए मैं यहां पे एरो लगा देती हूँ, हायर ऑफ इन दोनों वैल्यूज की वो सैलरी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, और एम्प्लॉयर जो है उसको कंसिडर होगा कि उसने कोई रेंटल इनकम नहीं कमाई और उसके लिए कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, यानी उसकी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि असल में फायदा एम्प्लॉय को हो रहा है कि उसको मकान का किराया नहीं देना पड़ा, तो उसकी सैलरी में ऐड होगा। तो ये उन्होंने आपको एक्सरसाइज के तौर पर डिफरेंट सिनेरियोस दिए हुए हैं। पहला सिनेरियो ये है कि उस एम्प्लॉय का मिनिमम टाइम स्केल था 25,000 से लेकर 45,000 का, पर एनम इंक्रीज होती थी 2500। बेसिक सैलरी अभी तक वो कितनी पे पहुंचा था? 25,000 से बढ़ बढ़ के उसकी अब तक 40,000 तनख्वाह हो गई थी। उसको बोनस कितना मिला इस साल? 10,000। और उसको फ्री अकोमोडेशन मिली हुई है जिसके किराए की वैल्यू है 100,000। तो अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा 45% ऑफ एमटीएस और फेयर मार्केट वैल्यू 100,000 की थी। तो ये रूल 4 है इनकम टैक्स रूल्स 2002 का, कि पहली वैल्यू तो ये निकाली उसने, मिनिमम टाइम स्केल में हमने मिनिमम वाली वैल्यू उठानी होती है, तो 25,000 पर मंथ थी सैलरी मिनिमम, 12 मंथ्स पे की, उसका 45% निकाला तो वो रुपीज 135,000 बनता था। तो या तो वो ये वैल्यू हो सकती थी या फिर लाख रुपए की, तो क्योंकि लाख रुपया कम है, हायर जो है 135,000 है, तो 40,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, 40 × 12 बनती थी 480,000 उसकी बेसिक सैलरी, 10,000 पर एनम हर साल उसको 10,000 का बोनस मिलता था, और 135,000 की हायर ऑफ निकलता है उसकी अकोमोडेशन की वैल्यू, तो उसकी टैक्सेबल इनकम है 625,000 की। दूसरे केस में जी एमटीएस में हमेशा मिनिमम अमाउंट लेनी है, ऊपर लिखा हुआ भी था, ठीक है, हमेशा आपने मिनिमम अमाउंट उठानी है। बेसिक सैलरी उसकी 60,000 पर मंथ थी, कोई एमटीएस नहीं था, अकोमोडेशन की फेयर मार्केट वैल्यू थी 120,000, पूरे साल की वैल्यू 120,000 थी, बोनस उनको मिला 20,000 का हर साल मिलता था, डियरनेस अलाउंस मिलती थी 10,000 पर मंथ की। तो यहां पर पीएम स्टैंड पर मंथ एंड पीए स्टैंड पर एनम, पर एनम की अमाउंट को दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना किसी चीज से, वो ऑलरेडी पूरे साल की वैल्यू है। ठीक है, ये पेपर देते हुए इस चीज को बड़ा होश से टैकल करना है, कभी कभी वो पर मंथ वैल्यूज देता है, कभी पूरे साल की वैल्यूज देता है। तो अगर वो बेसिक सैलरी का 45% निकालें, तो 60,000 पर मंथ थी, 12 मंथ से 45% पे ये वैल्यू निकलती थी, और ये वैल्यू क्योंकि कम थी तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, बेसिक वैल्यू बेसिक सैलरी उसकी आ गई 60,000 पर मंथ 12 महीनों पर 720,000, और 324,000 अकोमोडेशन की वैल्यू, बोनस पूरे साल का, और डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ की। तो ये उसकी टैक्सेबल सैलरी निकल आई। ठीक है जी, और फिर केस नंबर 3 है कि एबीसी लिमिटेड के एक एम्प्लॉय थे जो किसी किराए के घर पर रहते थे, 20,000 पर मंथ उसका किराया था, 1 जुलाई 2001 को उनके एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं इस 20,000 में से 15,000 पर मंथ तुम्हें दे दिया करूंगा, ठीक है, और तुम इसको अपनी अकोमोडेशन बना लो। ठीक है जी, तो बाकी उनको क्या बेनिफिट्स मिलते थे? उनको 360,000 पर एनम की सैलरी मिलती थी, यानी ये पूरे साल की सैलरी है, बोनस मिलता था 30,000 का पर पूरे साल का,
और कन्वेयंस अलाउंस मिलती थी पूरे साल की 3600 रुपीज। तो अब आप ये देखें कि कन्वेयंस अलाउंस कुछ और चीज होती है। जब कन्वेयंस अलाउंस मिले, गाड़ी का ना बताया हो, वो आपको गाड़ी ना दे, कन्वेयंस का अलाउंस दे। तो अगर पर मंथ अलाउंस है तो 12 महीनों पे या जितने महीनों की नौकरी थी उन पे मल्टीप्लाई कर दें। अगर कन्वेयंस की गाड़ी मिली हुई है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और है, और कन्वेयंस की अलाउंस पर मंथ होती है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और है। तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन निकालते हैं, 360,000 उनके पूरे साल की सैलरी थी, उसका 45% 162 बनता है, और 180,000 जो थी वो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन बनती थी। तो 180,000 उनकी कैसे वैल्यू निकली है जी, अगर हम कैलकुलेटर लगाएं, मैं यहां पर कैलकुलेटर निकालने की कोशिश करती हूं, यहां पे हम सर्च करते हैं कैलकुलेटर, तो ये 15,000 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 12 करें तो सबको नजर आ रहा है कि 180,000 की वैल्यू आती है। ठीक है, इजाज मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, पहले ये गौर से देख लो कि 180,000 जो है उसको मिलता था पर मंथ बेनिफिट मिलता था एम्प्लॉयर की तरफ से। अब आप ये देखें कि मकान की उसको कितना किराया देना पड़ता था, 20,000। तो इस केस में हमने 180,000 लिया है क्योंकि उसको मकान में सिर्फ 5,000 का किराया उसको अपनी जेब से डालना पड़ता था और 15,000 का सिर्फ बेनिफिट उसको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता था। ठीक है, तो अब आपने दोनों कंपेयर की वैल्यूज, या तो 180,000 या फिर सैलरी का 45%, तो इनमें से हायर कौन सी है, 180,000। तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था ये अकोमोडेशन में कि आपने दो वैल्यूज का हायर देखना होता है, एक तो ये अमाउंट विच वुड हैव बीन गिवन टू यू इफ नो अकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो ये 15,000 वो अमाउंट है जो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, या फिर आपने इसका हायर देखना होता था, या फिर आपने एमटीएस या बेसिक सैलरी का 45%, जो इन दोनों में से जो भी हायर होता था। और कन्वेंस अलाउंस आ गया आपकी, बोनस आ गया और बेसिक सैलरी। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कन्वेंस अलाउंस कुछ और चीज होती है, और जब कन्वेंस की गाड़ी मिली हुई हो तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होता है। तो इजाज से ये सवाल है कि मिस जो एमटीएस है उसका क्या मतलब है, तो एमटीएस स्टैंड फॉर मिनिमम टाइम स्केल, एम फॉर मिनिमम, टी फॉर टाइम और एस फॉर स्केल। एमटीएस अभी हमने ऊपर देखा है कि यहां पर एक लोअर लिमिट होती है दरमियान में, सॉरी ये यहां पर डैश आएगी, कॉमा नहीं आएगा, 25,000 से 8,000 और यहां पर 45,000। तो मिनिमम टाइम स्केल है ये, इसका मतलब ये है कि उस बंदे को जब ये नौकरी इस केडर पे, फॉर एग्जाम्पल वो 17th ग्रेड का अफसर है, तो 25,000 से उसकी सैलरी शुरू होगी, हर साल उसकी सैलरी 8,000 मैक्सिमम बढ़ेगी, और मैक्सिमम इस पोजीशन पे जब तक वो 17वें ग्रेड में रहता है तो 45,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं ले सकता, अगर इससे ज्यादा लेना चाहता है तो उसको 18वें ग्रेड में प्रमोट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ लग गई है मिनिमम टाइम स्केल की। ऑटम 14 का आपका क्वेश्चन है कि सुल्तान साहब जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, इनकी बेसिक सैलरी थी 480,000 और ये उसकी मंथली सैलरी है 480,000, और उनको फेयर मार्केट वैल्यू थी उनकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की 75,000 की। तो अब आपने निकालनी है दोनों वैल्यू, आपने निकालना है बेसिक सैलरी का 45%, उसका हायर देखना है, और अगर उनको कोई अमाउंट दी जाती, ठीक है, जो उनको अमाउंट दी गई है मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 75,000 की मंथली उनको अमाउंट दी जाती है, तो आपने इन दोनों अमाउंट का हायर निकाल के उसको सैलरी में ऐड कर देना है। फिर मिसेज असलम बार बार आती रहती है, मिसेज असलम दोबारा आ गई है, मिसेज असलम की बेसिक सैलरी है 2,00,000 पर मंथ और रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली हुई है उनको 480,000 की, पूरे साल की वैल्यू है 480,000 की। तो आपने भी अब निकालना है कि बेसिक सैलरी पूरे साल की मल्टीप्लाइड बाय 45% कंपेयर्ड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू 480,000, तो जो भी हायर बनता है वो अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। मिस्टर क्रिएटिव आ गए दोबारा, तो मिस्टर क्रिएटिव को
बेसिक सैलरी मिलती थी 300,000 पर मंथ और उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली हुई थी 150,000 पर मंथ की। तो नीडलेस टू टेल यू कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप दोनों को कंपेयर करेंगे 45% ऑफ बेसिक और दूसरी वाली जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है इस वक्त अगर, और फिर ऑटम 09 का क्वेश्चन है मिस्टर जुल्फिकार के ऊपर कि मिस्टर जुल्फिकार जो हैं उनको मंथली रिम्यूनरेशन मिलती थी 280,000 और मार्केट वैल्यू उनको मिली थी रेंट फ्री अकोमोडेशन की 120,000। तो आप ये देख रहे हैं कि जब रेंट का सवाल सॉरी अकोमोडेशन का सवाल आता है तो इस जैसे कन्वेंस में काफी सारे ट्रिक्स वो लगाता था कंफ्यूज करने के लिए आपको, ग्रॉस लीज रेंटल्स इतने लीज रेंटल्स कंपनी ने पे कर दिए हैं, ऐसे कर लें वैसे कर लें, दो गाड़ियां हैं एक गाड़ी है, गाड़ी के बजाय पहले दो महीने में आपको पैसे दे रहा है। तो हाउस रेंट अलाउंस में इस तरह की कोई ट्रिक्स नहीं है, सीधा सीधा बेसिक सैलरी देता है और हाउस रेंट अलाउंस बताता है पर मंथ और फिर इनका हायर जो होता है आपने कंप्यूट करके जो भी 45% और एक्चुअल का हायर है वो आप डाल देंगे उसकी सैलरी में। तो ये थोड़ा आसान है। फिर आपका आता है मेडिकल अलाउंस और रीइंबर्समेंट। तो मेडिकल में भी काफी सारी वो ट्रिक्स खेलता है आपके साथ क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी काफी तरह की हो सकती है। तो जो मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिली हुई है या आपको रीइंबर्समेंट होती है, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है वो आपको हर महीने कोई बेसिक अमाउंट दे देता है कि इतनी हर महीने तुम मेडिकल अलाउंस मुझसे ले लो, और रीइंबर्समेंट का मतलब है कि वो आपको हर महीने नहीं देता, वो आपसे कहता है कि जो भी तुम्हारे असल में खर्चे आएंगे या तो वो पूरे मेरे से रीइंबर्स करा लेना या फिर एक मैक्सिमम अमाउंट आपको बता देता है कि इतनी मैक्सिमम अमाउंट तक हम तुम्हें तुम्हारे एक्चुअल मेडिकल बिल्स रीइंबर्स कर देंगे बजाय कि तुम्हें हर महीने दें, क्योंकि हर वक्त तो कोई बीमार नहीं होता, तुम एक्चुअल बेसिस पे ले लेना। तो ये जो मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट होती है ये एग्जेम्प्ट होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता अगर ये फैसिलिटी या ये रीइंबर्समेंट आपकी नौकरी की टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थी। ठीक है, यानी कि जब आपने उनसे नौकरी का मुआहिदा साइन किया था तो उसके अंदर आपको ये मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट लिखी हुई थी और साथ साथ हॉस्पिटल का एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए उस हॉस्पिटल का या उस क्लिनिक का जहां से आपने वो मेडिकल अपना काम कराया है, और आपके एम्प्लॉयर ने सर्टिफाई करना है और अटेस्ट करने हैं आपके बिल्स, यानी कि उनपे साइन करना है अपना, उनको अटेस्ट करके देना है एम्प्लॉयर ने कि ये जेन्युइन बिल्स हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है उनके पास इतनी लिमिट की मेडिकल फैसिलिटी है, वो बीमार नहीं होते, वो एवें जाके बिल क्लेम करके थोड़े से ज्यादा सैलरी के पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपको बताया कि अगर मेडिकल फैसिलिटी है या रीइंबर्समेंट है तो वो एग्जेम्प्ट है प्रोवाइडेड के दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था और दूसरी कंडीशन ये है कि उस हॉस्पिटल या क्लिनिक का एनटीएन है और उसके बिल्स जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने सर्टिफाई किए हैं एज जेन्युइन बिल्स। लेकिन अगर मेडिकल अलाउंस मिली हुई है उस मेडिकल फैसिलिटी का नाम, अगर वो सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी के नाम से है तो फिर वो ऊपर वाला ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर उसका नाम मेडिकल अलाउंस है, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि मैक्सिमम आपको कितनी टैक्सेबल नहीं होगी, आपकी जो मेडिकल अलाउंस है पर मंथ वो 90% ऑफ बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी वो आपसे कहेंगे ठीक है इस ये तुम्हारी सैलरी में का पार्ट नहीं है, इसको तुम एग्जेम्प्ट कर लो, अगर अगर साथ साथ आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो यहां पर मेडिकल में काफी सारी चीजें आती हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपनी किताब पे इसका एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप चीज बना लें कि इफ मेडिकल फैसिलिटी तो फिर प्लस मेडिकल अलाउंस, तो फिर आगे आप लिखेंगे ये मैं लिख रही हूं जी, इफ मेडिकल फैसिलिटी प्लस मेडिकल अलाउंस तो फिर मेडिकल अलाउंस जो है वो नॉट एग्जेम्प्ट, लेकिन इफ मेडिकल फैसिलिटी, इफ नो मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है,
और सिर्फ मेडिकल अलाउंस है तो फिर मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट है। तो मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह नहीं लिख सकती, तो आप अपने पास फॉर्मूला जो है वो आसानी से बनाएगा, क्योंकि उसका फायदा ही होता है। उस्मान मैं रिपीट कर देती हूँ, इस तरह का फॉर्मूला अपनी किताब पे लिखने का आपको फायदा ये होगा कि यूं लाइनों में चीजें पढ़ के समझना मुश्किल काम होता है, जब बंदा फॉर्मूला देखता है तो चीजें फौरन समझ आ जाती हैं। तो उस्मान मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिली हुई है, ठीक है, और मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, तो फिर आपका मेडिकल अलाउंस जो है वो 100% टैक्सेबल है, यानी कि नॉट एग्जेम्प्ट है। और अगर आपको इफ नो मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस है सिर्फ, तो फिर आपका जो मेडिकल अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। यानी कि जब आप कैलकुलेशन दिखाएंगे तो आप दिखाएंगे कि मेडिकल अलाउंस पर मंथ मेरा टोटल इतना बना है, 12 मंथ के ऊपर इतनी वैल्यू आई है, और उसमें से जो 10% होगा बेसिक सैलरी का वो आप डिडक्ट कर देंगे, और जो बाकी अमाउंट जो नेट अमाउंट आएगी वो आप सैलरी में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो मेडिकल अलाउंस के बारे में वो कहता है कि ये फुली टैक्सेबल है इफ इट इज प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द एग्जेम्प्ट मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी फुली एग्जेम्प्ट थी तो आप इतनी सारी एग्जेम्पशन तो नहीं ले सकते कंपनी टैक्स अथॉरिटी से, ठीक है जी। वेदर अवेल्ड बाय द एम्प्लॉई और नॉट, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी थी और मेडिकल अलाउंस भी मिलता था और आपने मेडिकल फैसिलिटी अवेल नहीं की, यानी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसके बावजूद भी क्योंकि आपको मेडिकल की फैसिलिटी है तो आपका मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है, ठीक है जी। तो ऑटम 14 का आपका क्वेश्चन है कि बेसिक सैलरी थी 480,000, मेडिकल अलाउंस था आपका 48,000, ठीक है, और फिर हॉस्पिटल की कॉस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ने कवर की अप टू 1.5 मिलियन, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो 55,000 का था। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन फॉर द टैक्स ईयर 2014, ठीक है जी। तो अब क्या मुझे किसी की तरफ से मैसेज आया है? अच्छा नहीं आया। तो बेसिक सैलरी उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया दी कि 480,000 है, और मेडिकल अलाउंस हमने पढ़ा है कि अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी ना हो तो मेडिकल अलाउंस का जो 90% है वो आप सैलरी में ऐड कर देंगे, यानी कि इस पहले आप बेसिक सैलरी का ये अच्छा कैलकुलेशन बना के दिखा देती हूँ आपको। बेसिक सैलरी तो सीधी की सीधी 480,000 की आपकी चली गई जी टैक्सेबल, और फिर मेडिकल अलाउंस में आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, इसमें से 48,000 आप यू ही लिखेंगे और इसमें से एग्जेम्प्ट माइनस हो जाएगा लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितनी बनती है जी, 48,000 ही बन जाती है, तो फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं है इसमें। लेकिन ये तो बाय चांस इतनी वैल्यू बन गई है, हो सकता है कि वैल्यू कुछ और हो, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं 45,000 है इंस्टेड ऑफ 48,000, तो फिर यहां से सिर्फ 3,000 की अमाउंट जो है वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट में जाएगी, ठीक है जी। तो क्योंकि हमने इंश्योरेंस का नहीं पढ़ा तो इंश्योरेंस आपको जो ठीक लगता है आप वो सॉल्व करेंगे, और फिर आप सोल्यूशन में देखेंगे कि इंश्योरेंस का क्या करते हैं। तो हमने मेडिकल में सिर्फ देखनी होती है मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट, अगर है, अगर रीइंबर्समेंट या मेडिकल फैसिलिटी है तो वो एग्जेम्प्ट होगी अगर दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं कि वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में थी और वो अटेस्ट हुई है, जेन्युइन है, और अगर मेडिकल अलाउंस है तो फिर आपने देखना है कि फैसिलिटी है या नहीं है। अगर फैसिलिटी है तो फिर नो एग्जेम्प्शन, अगर मेडिकल फैसिलिटी साथ नहीं है, अगर नो फैसिलिटी है साथ, तो फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे हमने तीन इंपॉर्टेंट हेड्स अपने कवर कर लिए हैं, हम पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं।
ताकि आगे आगे ना पढ़ते जाए, ये ना पिछला भूलता जाए, ठीक है। तो आगे इसके और भी पास पेपर हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि जब तक हम इसको रिवाइज करते हैं तो मेडिकल हमें जब तक याद रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा कन्वेंस का, तो कन्वेंस अगर आपको अगर कन्वेंस अलाउंस मिलती है तो अलाउंस तो सीधी सीधी सैलरी में चली जाती है, वैसे टैक्स हो जाती है। लेकिन अगर कन्वेंस के लिए आपको गाड़ी मिली हुई है, अगर वो सिर्फ पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल होती है तो आप 10% ऑफ कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर वो ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल होती है तो आप कोई वैल्यू भी टैक्सेबल नहीं होंगी, और अगर वो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती है तो फिर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ ओन्ड व्हीकल लेंगे या 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लीज्ड व्हीकल लेंगे। और फिर अकोमोडेशन की अगर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है तो आप दो अमाउंट का कंपेरिजन करेंगे, आप हायर लेंगे या तो उस अमाउंट जो कि आपने प्रोवाइड की होती अगर उस बंदे को जो है उसने किराया बेयर करना होता, तो आप कितना फायदा उसको दे रहे हैं, यानी कि कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है उसके रेंट की, कितना फायदा उसको पर मंथ मिल रहा है आपकी तरफ से, या फिर 45% ऑफ मिनिमम टाइप मिनिमम टाइम स्केल या बेसिक सैलरी। तो आपने 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक देखनी होती है और आपने उसकी फेयर मार्केट जितना आपको असल में फायदा मिल रहा होता है अमाउंट में, उन दोनों की जो भी हायर वैल्यू होती है उसको टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर देना है। और फिर अगर सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी आपकी ही वो मकान था आपका या आपकी बीवी का या शौहर का, और आपने अपने एम्प्लॉयर को दिया हुआ है ये कहकर कि या तो हमसे रेंट ही ना लो, ठीक है, अगर वो कोई किसी को ना पैसे आते हैं ना किसी को जाते हैं, तो फिर आप दोबारा से वही देखेंगे कि हायर ऑफ 45% या फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, जो भी हायर होगा उसको आप उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। और अगर किसी को रेंट जाता है, यानी कि एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयर से रेंट लेता है, तो फिर वो रेंट उसकी सैलरी में नहीं ऐड होगा, वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा, ठीक है जी। और फिर हमने मेडिकल का पढ़ा है कि मेडिकल के केस में अगर तो आपको मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड के दो कंडीशंस फुलफिल हो, आपने जेन्युइन एम्प्लॉयर आपके बिल्स अटेस्ट करे और आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये प्रोवाइडेड हो कि आपको ये फैसिलिटी देंगे। और अगर मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल की फैसिलिटी भी है, तो कोई एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी मेडिकल की फैसिलिटी फुली एग्जेम्प्ट है तो आपकी अलाउंस फुली टैक्सेबल होगी। और अगर अलाउंस है और कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है तो फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी आपकी एग्जेम्प्ट होगी और बाकी 90% जो है। तो इसको ज्यादा आसान करने का तरीका यह भी होता है कि आप कंपैरिजन कर लिया करें, 48,000 जो जितना भी है उसमें से सिर्फ जो 90% होता है बेसिक सैलरी का वो सीधा सीधा लिख दिया करें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10% जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। तो अब मेरा आप सबसे सबको मशवरा, मुखलिस मशवरा ये है कि इस तरह का कोई टेबल बना लें, सॉरी माइंड मैप बना लें, जैसे ये माइंड मैप है, या कोई टेबल बना लें, जैसे हमने कन्वेंस में देखा था एक टेबल बना हुआ था कि अगर पर्सनल है तो कितना चार्ज करना है, ऑफिशियल है तो कितना चार्ज करना है, अगर पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो कितना चार्ज करना है। टेबुलर फॉर्म में जब आप सिंप्लीफाई करके इस तरह के टेबल बना लेंगे या माइंड मैप बना लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि ये चैप्टर सैलरी का, जिसको याद करने में बंदे का बड़ा टाइम लग जाता है वो जुमले पढ़ने में, आप सिर्फ ये चार्ट देखेंगे, और जरूरी नहीं है ये सारा एक ही सफे पे पूरा आ जाए। जैसे हमने कल सैलरी के काफी सारे जो पर्क्स थे वो दूसरे पेज पे बनाए थे, वो मैंने आज इसीलिए नहीं बनाया, अगर मैं वो बनाती तो ये ना बन सकता, ठीक है, फिर हमें अगली शीट पर यह बनाना पड़ता। तो कल हमने काफी सारी जो यूटिलिटीज, हाउसकीपर, अरियर्स, गोल्डन हैंडशेक, टर्मिनेशन और इस तरह की चीजें पढ़ी थी। तो इस जब आप इस तरह के दो चार सफों की डायग्राम बना लेंगे तो ये चैप्टर जो वैसे देखने में इतने सफों का है, आप सिर्फ वो डायग्राम रिवाइज करेंगे तो, क्योंकि इसका रट्टे का सवाल बहुत कम आता है, अगर रट्टे का सवाल आया भी तो क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप उसको पेपर में जाके लिखाएंगे। तो ये इस चैप्टर को पढ़ने का और रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आखिरी दिन, कि बजाय कि आप पूरी किताब खोल के हर चीज रिवाइज करें, आप सिर्फ ये दो चार सफे पढ़ेंगे सैलरी के तो आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है।
तो प्लीज इसके माइंड मैप अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि मेरे वालों की या तो आपको राइटिंग बाद में समझ में आएगी या मैंने जो एब्रीविएशन इस्तेमाल की होती है वो आपको बाद में समझ में आएंगी। तो प्लीज अभी से इसका माइंड मैप अपने हाथों से साथ साथ बनाएं लेक्चर के। लेक्चर में टाइम नहीं मिलता तो लेक्चर के फौरन बाद जो प्रिंट स्क्रीन लिए होते हैं उनको साथ साथ लिखें, लेकिन मेरे ख्याल से लेक्चर में इतना टाइम तो मिलता है कि आपने पेंसिल से दो लफ्ज लिखने हैं, ठीक है, और उसको बाद और सिर्फ यूं रफ नहीं बना लेना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको नीट करने में, उसको नीट करके अपनी किताब में लगा दें वहीं पर, ठीक है, ताकि जब आपने ये चैप्टर रिवाइज करना है एग्जाम्स के लिए टेस्ट के लिए तो ये फौरन से रिवाइज हो जाए। अब हम आते हैं ऑटम 13 पे कि मिसेज असलम जो थी उनको क्या क्या मिलता था। उनको फाइनल सेटलमेंट मिली है, यानी उन्होंने किसी की नौकरी छोड़ी है और नौकरी में उनको फाइनल सेटलमेंट मिली है। उनको लीव इनकैशमेंट के पैसे मिले हैं 95,000, उनको ग्रेच्युटी मिली है 5 लाख की, उनको 100,000 रीइंबर्समेंट मिली है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, और इंश्योरेंस क्लेम उन्होंने लॉन्च किया था जनवरी 2012 में, और फिर उनका जो टैक्स है वो उनके एम्प्लॉयर ने बेयर करना है, ठीक है जी। तो उनको बाकी बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, उनको बेसिक सैलरी मिलती है 200,000 पर मंथ की और मेडिकल अलाउंस मिलता है 60,000 पर मंथ का। तो आपने ऊपर वाली ये सारी इंफॉर्मेशन इग्नोर कर देनी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आपने नहीं पढ़ा और इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है जी। आपने सिर्फ बेसिक सैलरी और मेडिकल अलाउंस की जो है कॉम्प्यूटेशन करनी है, बेसिक सैलरी लिखनी है 2 लाख पर मंथ इंटू जितने भी महीने उन्होंने काम किया, और फिर मेडिकल अलाउंस लिखनी है 60,000 पर मंथ पे जितने भी महीने उन्होंने काम किया, और इसमें से माइनस कर देना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और फिर जो अमाउंट आएगी वो आपकी नेट अमाउंट आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। फिर इसी तरह से स्प्रिंग 2013 का क्वेश्चन है, और जो लोग ये देख रहे हैं ये देख के परेशान हो रहे हैं कि हाय इतने सारे सवाल कौन रोज असाइनमेंट में करे, तो इन सवालों के जवाब लिखने में ना 2 मिनट भी नहीं लगते। ज्यादा टाइम आपको सिर्फ इसलिए लगेगा कि वो फॉर्मेट मैं आपसे बार बार बनवाती हूँ, तो उसका भी आसान तरीका ये है कि आप एक ही मरतबा सफे पे 3 लाइनें खींच दिया करें, ताकि आपको बार बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोबारा दोबारा लाइनें ना खींचनी पड़े। हेडिंग्स का भी आसान तरीका आपको बताती हूँ कि अभी आपको सिर्फ मैं आदत डलवाना चाहती हूँ कि आप हेडिंग्स लिखें, तो आप समराइज फॉर्म में लिख लिया करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मिस्टर क्रिएटिव है, तो आप हेडिंग में डालें टैक्स पेयर का नाम लिखते हैं हम सबसे पहले, फिर कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं टैक्स ईयर फलाना टमकाना। तो टैक्स ईयर भी इसका टैक्स ईयर बनता है, चले हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनका टैक्स ईयर जो है ना वो ये बनता है, ठीक है, और फिर हेड्स ऑफ इनकम रेफरेंस और रुपीज। तो ये लिखने में कितना टाइम लग गया मुझे, हार्डली कुछ सेकेंड, पूरा मिनट भी नहीं लगा। इसका फायदा यह है कि आपका हाथ बैठ जाएगा इस टेक्निक पे। तो इन सारी असाइनमेंट्स को प्लीज सॉल्व करें साथ साथ, आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह से आएंगी, क्योंकि एक मरतबा इनके पास पेपर्स करना एग्जाम लीज में काफी नहीं है। ये न्यूमेरिकल्स बार बार सॉल्व करने से, एक ही तरह के बेशक बार बार सॉल्व करें, मकसद ये कि आप ऑटो पे चले जाएं, ऑटो मोड पे आपको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है जी। बार बार नए न्यूमेरिकल करने से ज्यादा फायदा होता है कि आप उसी तरह का न्यूमेरिकल 2-3 मरतबा अच्छी तरह से समझ लें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और मेरी कितनी स्पीड बिल्ड हो गई है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट्स प्लीज साथ साथ करें, ये सवाल हल करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते, ठीक है, चले 2 सेकंड से ज्यादा लग जाते हैं, 1-1 मिनट लगेगा ये पॉइंट्स कवर करने में, लेकिन ये जो 1-1 मिनट आपका अभी लगेगा ना, ये आपको बाद में बहुत सारी तंगियों से दूर कर देगा। आप एग्जाम लीव में आपको हार्डली, क्योंकि एग्जाम लीव में तो आप इस तरह से, अच्छा दूसरी बात ये कि एग्जाम लीव में ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी, एग्जाम लीव में ये 1-1 सवाल छोटे छोटे पार्ट्स नहीं सॉल्व करने। हाँ आप ये जरूर करें एग्जाम लीव में, ये याद रखना है, ये अपनी किताब पे लिख लें साथ या किसी सफे पे लिख लें साथ, और वो सफे पे जो बात लिखी होगी साथ वो किताब में इस पेज के साथ अटैच कर लें। अगर नोट से पढ़ते हैं तो अभी अपने पास नोट कर लें कि मैंने अपने नोट्स पे ये लिखना है। एग्जाम लीव में ये जो भी टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल कन्वेंस का पढ़ा, अकोमोडेशन का पढ़ा, मेडिकल का पढ़ा, तो उसके सिर्फ 1 या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लें,
पास पेपर्स के जो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये एक्चुअली तो पूरा न्यूमेरिकल था जो मैंने तोड़ तोड़ के पार्ट वाइज किया है, उसके सिर्फ एक या दो करने हैं ताकि आपको समझ लग जाए कि मैंने क्या पढ़ा है। ये सारे नहीं प्रैक्टिस करने क्योंकि एग्जाम लीव में इतना टाइम नहीं होगा। एग्जाम लीव में आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ के फिर पूरा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक दो एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करें ताकि आपको समझ लग जाए कॉन्सेप्ट की, आपको पता चल जाए कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही सॉल्व होता है। लेकिन ये अगर छह सवाल नीचे दिए हुए तो छह के छह नहीं हल करने, आपने एक ही मरतबा वो पूरा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। एग्जाम लीव में इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए अभी असाइनमेंट सॉल्व कर लें। ठीक है जी, लिख लिया ये कहीं पर। और फिर मिस्टर क्रिएटिव जो थे उनको बेसिक सैलरी मिलती थी इतनी, यूटिलिटीज की अलाउंस मिलती थी 15% ऑफ बेसिक सैलरी, और मेडिकल की अलाउंस मिलती थी। तो आप ये देख रहे हैं कि मेडिकल की अलाउंस है यूजली, साथ मेडिकल की फैसिलिटी अभी तक हमने कहीं नहीं देखी। अब हम ये देखते हैं कि बेसिक सैलरी थी मिस्टर खुर्शीद की 400,000 पर मंथ, उनको मेडिकल का अलाउंस मिलता था 75,000 पर मंथ, उनको यूटिलिटी का अलाउंस मिलता था 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यूटिलिटीज आप पढ़ चुके हैं, यूटिलिटीज यहाँ पे भी साथ साथ ऐड कर दीजिएगा। अब उनकी सर्जरी हुई है और उनका खर्चा हुआ है 1.5 मिलियन का, और उनकी जो कंपनी थी जुल्फिकार गैस कंपनी, उसने सारी की सारी अमाउंट जो है वो इनको रीइंबर्स कर दी है। ये स्पेशल केस था एंड इट वॉज नॉट कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमने पढ़ा था कि अगर रीइंबर्समेंट होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है अगर वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। तो क्योंकि आप न्यूमेरिकल की कॉम्पिटिशन में ये अमाउंट एड नहीं करके आएंगे, आप न्यूमेरिकल के बाद एक नोट लिख के आएंगे। ठीक है जी, तो उसने यहां पर भी आपसे स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली आपको बोला है कि कमेंट ऑन द आइटम्स व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड बाय यू इन द कंपटीशन। तो जो चीज कंपटीशन में नहीं आती आप उसके ऊपर नोट लिख के आते हैं नीचे एडिशनल कि ये रीजन थी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, टैक्सेबल होना चाहिए था, इस वजह से मैंने कंपटीशन में नहीं डाला। स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन है। अच्छा, उस्मान का सवाल है कि इसको ऐड क्यों नहीं करना। तो उस्मान, हमने ऊपर पढ़ा था कि रीइंबर्समेंट, हमने उस्मान ऊपर पढ़ा था कि जो रीइंबर्समेंट होती है वो एग्जेम्प्ट होती है अगर वो दो कंडीशंस फुलफिल हो, वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर हो और आपका एम्प्लॉयर आपके बिल्स को सर्टिफाई और अटेस्ट करे। तो ये स्पेशल केस था, इट वॉज नॉट कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना तो ये टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। अच्छा सॉरी, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये फुली टैक्सेबल है। ठीक है ठीक है, तो इसमें भी आपने नोट लिख के आना है। अच्छा सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये फुली टैक्सेबल है, तो ये पूरी की पूरी टैक्सेबल उसमें चली जाएगी। ठीक है, लेकिन आप फिर भी इसके ऊपर नोट लिख के आएंगे क्योंकि इसका आपने यूजुअल ट्रीटमेंट तो इसका कुछ और होता है। जिस चीज का भी यूजुअल ट्रीटमेंट ना हो, ठीक है, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर उस्मान, इसका मतलब है कि बाकी सब लोग सो रहे हैं और सिर्फ उस्मान गौर से मेरी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो उस्मान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये फुली टैक्सेबल होगी, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी, सॉरी फॉर द ब्लंडर। तो इस वजह से ये सारी की सारी आप डाल देंगे और नीचे आप नोट लिखेंगे कि ये एग्जेम्प्ट क्यों नहीं थी। ठीक है, तो गुड हो गया, मुझे ये भी पता चल गया कि कौन कौन वार्ड से मेरी बातें सुन रहा है। तो मिस्टर मतीन जो है उनको क्या मिला है, उनको फॉलोइंग बेनिफिट मिले हैं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। उनको बेसिक सैलरी मिली है 245,000 पर मंथ की, यूटिलिटी अलाउंस मिली है 21,000 पर मंथ की, रीइंबर्समेंट हुई है उनके पर्सनल एक्सपेंसेस की अप टू 15% ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी। तो आपने यहाँ पे पर मंथ सैलरी आ रही है, पहले आपने उसका एनुअल निकालना है और उसका 15% जो था वो उनको रीइंबर्स हुआ है, और 250,000 भी उनको उनकी बेटी की हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस उनको रीइंबर्स हुए हैं। कब रीइंबर्स हुए हैं? After उन्होंने दिखाया कि हॉस्पिटल जो था उसका एनटीएन नंबर था और ये बिल्स जो हैं वो अटैच और सर्टिफाई किए हैं उसके एम्प्लॉयर ने। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर नोट आएगा कि ये क्यों एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ऊपर नोट आएगा कि वो क्यों टैक्सेबल थी और यहाँ पर नोट आएगा कि वो क्यों एग्जेम्प्ट है।
क्योंकि वो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स है। तो जो भी अमाउंट अगर कॉम्पिटिशन में नहीं आ रही या कॉम्पिटिशन में उस वैल्यू पे नहीं आ रही जिस पे यूजुअली आती है, तो आप हमेशा नीचे एक नोट देके आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने आपसे नोट्स नहीं मांगे क्वेश्चन में, आपने नोट्स दे के आने हैं, ठीक है। ये बात भी याद कर लें कि आई कैप कभी कभी आपसे कहता है और कभी कभी नहीं मांगता, लेकिन इन एनी केस उसके सोल्यूशन के नीचे के नोट्स दिए होते हैं। ये अंडरस्टूड बात है कि जो जो भी काम आपने किया है, आपने उस सारे को एक्सप्लेन किया, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपने कुछ ना कुछ करना है उस इन्फॉर्मेशन के साथ, उसको बता के आना कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों इस्तेमाल किया है या क्यों इस्तेमाल नहीं की। तो ये भी नोट कर लें कि क्वेश्चन में बेशक मांगा हो या ना मांगा हो। अच्छा उस्मान, आखिरी पॉइंट ये है कि कभी कभी वो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि जो चीजें आपने कॉम्पिटिशन में इस्तेमाल नहीं की या डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल की हैं, उनके ऊपर नोट लिखें, साथ साथ बताएं कि आपने उनका ट्रीटमेंट क्यों किया ऐसा कॉम्पिटिशन में, ठीक है। ये नोट सब चीजों के ऊपर नहीं लिखना होता, ये नोट जो चीजें जैसे बेसिक सैलरी वैसे ही आ रही है, यूटिलिटी अलाउंस वैसे ही आ रही है जैसे लॉ में लिखा हुआ है, उनके ऊपर नहीं लिखते आप नोट। अच्छा इससे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा था कि ये एग्जेम्प्ट क्यों है। अच्छा तो उनकी रीइंबर्समेंट हुई है एक्सपेंसेस की 15% ऑफ द एनुअल बेसिक सैलरी से, और उनको 2.5 लाख का जो खर्चा एडिशनली वो भी रीइंबर्स हुआ है, और उन्होंने क्योंकि बिल्स दिखाए हैं, एनटीएन नंबर भी था बिल्स पे, और वो अटैच भी हुए हैं और सर्टिफाई भी हुए हैं, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई हैं, तो ये एग्जेम्प्ट है ना, ये टैक्सेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने कंडीशंस फुलफिल की हैं। चलें आज आपने अच्छा, तो उस्मान का पॉइंट है कि यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा दूसरा सरफराज का ये सवाल है कि कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, तो सरफराज उनकी बेटी के बिल्स भी और 15% ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है, 2.5 लाख की अमाउंट भी और 15% ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी भी, ठीक है, क्योंकि दोनों उनको उन्होंने दोनों माफ कराए हैं कंपनी से, कंपनी ने रीइंबर्स किए हैं दोनों एक्सपेंसेस, तो अमाउंट्स तो आपको समझ लग गई। अच्छा अब उस्मान कहते हैं कि मिस टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट का तो कंडीशन ही फुलफिल हुई, कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी आना चाहिए था, तो उस्मान यहां पर ये बात ना अज्यूम्ड है कि ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था तो कंपनी ने उनको पैसे वापस किए ना, ठीक है, तो यहां पर अगर आप फिर भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं तो आप ये अजम्पशन लिख आइएगा, जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे अगर तो आप इसको एग्जेम्प्ट नहीं शो करना चाहते, टैक्सेबल शो करना चाहते हैं, तो आप नीचे अजम्पशन दे आइएगा कि ये इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पे आपने नहीं बताया कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या था या नहीं था, तो मैंने इस तरह से इसको टैक्सेबल किया है, इसको एग्जेम्प्ट चार्ज नहीं किया, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं इसको एग्जेम्प्ट ही ट्रीट करके आती और साथ अपनी अजम्पशन लिख देती कि ये इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि काइंड ऑफ ऑब्वियस हो रहा है कि इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था तो उनके उनको पैसे वापस हुए ना, जबरदस्ती तो नहीं आप ले सकते। तो इस केस में जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो तो फिर अपनी अजम्पशन स्टेट कर दें, क्योंकि आई कैप को आप क्या बताना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि आपको दोनों केस में ट्रीटमेंट आता है, ठीक है, आपकी सिर्फ टैक्सेबल इनकम की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, स्लैब रेट चेंज हो जाएगा, तो अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो फिर आपके नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक है। हाँ जी सरफराज, दो कंडीशन अप्लाई होती थी कि एक तो हॉस्पिटल का एनटीएन नंबर होना चाहिए बिल्स के ऊपर और वो अटेस्ट होने चाहिए बिल्स, और दूसरी कंडीशन थी कि वो इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो यहां पर क्योंकि दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपने एग्जामिनर को बेसिकली ये बताना है कि आपको दोनों ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो आपको जो भी अजम्पशन, मैं यहाँ पे यही अजम्पशन लूंगी कि ये इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप ये अजम्पशन नहीं भी लेना चाहते उस्मान तो फिर भी ठीक है, आप इसको टैक्सेबल ट्रीट कर दें और नीचे अपनी अजम्पशन स्टेट कर दें, आपने जस्टिफाई करना है अपने पॉइंट को, ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर जी ऑटम 2010 का क्वेश्चन है कि बेसिक सैलरी है 2 लाख रुपए की, मेडिकल अलाउंस है 30,000 का, यूटिलिटीज अलाउंस है, और फिर मेडिकल अलाउंस के साथ उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिली हुई थी हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी की,
limited to 1.5 million per annum. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि अक्सर सवालों में मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी आ जाती होती है. अगर मेडिकल फैसिलिटी ना आए तो इंश्योरेंस आ जाती होती है. तो जब आप सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो आपने इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट भी उसमें देख के आना है कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस की बात करता है तो क्या होगा. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं उस्मान यहां पर उसने लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब उसने बिल्स का नहीं लिखा कि बिल्स अटेस्ट हुए थे वगैरह वगैरह. ठीक है, तो इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना. बस एग्जामिनर को यह पता होना चाहिए कि इसको दोनों ट्रीटमेंट्स आते हैं, आपकी अजम्पशन के मुताबिक आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए क्वेश्चन में. तो अब फिर उसने एक आपको चीज बता दी और दूसरी नहीं बताई, तो आपकी जो भी आप अजम्पशन लेंगे आपने अजम्पशन क्लियरली स्टेट करनी है. इसमें मेडिकल अलाउंस भी है ऊपर 30,000 की और नीचे फैसिलिटी भी है. सर फिराज, ऊपर अलाउंस है 30,000 की और नीचे मेडिकल की फैसिलिटी है जी. तो आप ये देखेंगे वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करता है, नाम भी डिफरेंट यूज करता है. तो ऑटम 2009 का आपका क्वेश्चन है, मंथली रिम्यूनरेशन बेसिक सैलरी 280,000 की थी और मेडिकल अलाउंस 45,000 का था और इसमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी साथ. और फिर एक और चीज मुझे देखने दें, आज टैक्स में मोहसिन इस वजह से नहीं आते हैं, उनकी क्लास का क्लैश होता है. फरासत नहीं है क्लास के अंदर, अभी भी नहीं आए और हमाद भी नहीं है. तो स्प्रिंग 2009 का आपका क्वेश्चन है, बेसिक सैलरी थी इनकी 100,000, हाउस रेंट अलाउंस था इनका 30,000, मेडिकल का अलाउंस था 10,000 और फिर मेडिकल अलाउंस के साथ साथ उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी था अप्रूव्ड हॉस्पिटल से. ठीक है, तो इनका कहने का मतलब यही है कि इनके पास मेडिकल की फैसिलिटी थी. बेशक उन्होंने बिल्स की बात नहीं की, तो कहने का मतलब ये कि इन अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और अगर वो बिल्स दिखाते तो फिर उनको ये पैसे रीइंबर्स हो जाते. इस केस में ये चीज फुली टैक्सेबल है उनकी मेडिकल अलाउंस, क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटी मिली है जो एग्जेम्प्ट है. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. हाँ जी उस्मान, अच्छा अब उस्मान का सवाल है बड़ा अच्छा कि जब हम अपना सोल्यूशन करते हैं तो फिर उस सोल्यूशन को किस चीज से कंपेयर किया करें, आई कैप के सोल्यूशन से. तो बिल्कुल आपने अपने सोल्यूशन को आई कैप के सोल्यूशन से कंपेयर करना है. और मैं टैक्स में ये बता दूं कि आई कैप के सोल्यूशन जो पिछले सालों के होंगे जरूरी नहीं है खास तौर पे. अब सैलरी में तो कोई इतने चेंजेस नहीं आए लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बहुत चेंजेस आ गए हैं. तो जरूरी नहीं है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के आज से जो 2 साल या 3 साल पहले के एग्जाम्स थे उनका आंसर वैसा ही ट्रीटमेंट हो जैसा आपका है. तो फिर उस केस में आपको अगर तो समझ लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ लग रही कि ये ऐसे क्यों है तो कंसल्ट कर लिया करें मुझे कि मिस ये ऐसे क्यों है, क्योंकि उनके सोल्यूशन उस साल के मुताबिक है जिस साल में वो पेपर आया था, उस साल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता था. ठीक है, तो इसीलिए मेरी आप सबसे दरखास्त है कि एग्जाम लीव से पहले ये हरकतें कर लें ताकि एग्जाम लीव से पहले पहले आपको पता हो आंसर्स क्या हैं. एग्जाम लीव में आप पहली मतलब एग्जाम्स खोलें और आप सोचें कि ये किस तरह का सोल्यूशन हुआ है. ठीक है जी, फिर लीव इनकैशमेंट है, ये क्लॉज 19 है पार्ट 1 का सेकंड स्केड्यूल का, यानी कि ये ऑर्डिनेंस में नहीं आ रहा, ये स्केड्यूल में आ रहा है. ठीक है सर फराज, जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आप मुझे ईमेल कर देना वो प्रॉब्लम. ठीक है, ताकि हम कल का जो लेक्चर है उसके शुरू में फिर वो डिस्कस कर लें. ठीक है, तो कोई भी अमाउंट अगर आपको रिसीव्ड हुई है ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट वो एग्जेम्प्ट है इफ वो किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की है. तो लीव इनकैशमेंट कब मिलती है, अगर आप रिटायरमेंट के बंदोबस्त करने की वजह से आपको कोई छुट्टी मिली है, आपको लीव इसलिए दी गई है ताकि आप रिटायरमेंट की तैयारी कर सकें. और पेड लीव भी होती हैं, कुछ छुट्टियां ऐसी भी होती हैं जिसपे आपकी तनख्वाह नहीं कटती, आप छुट्टियां कर भी लें तो वो पेड लीव होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो टीचर्स होते हैं
जो 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उनकी पेड लीव होती है, उनको 3 महीने कुछ ना पढ़ाने की तनख्वाह भी मिलती है, ठीक है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोगों के लेवल पे नहीं। एग्जाम लीव में हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती क्योंकि हम आवरली बेसिस पे लेते हैं, तो वो जो दूसरे टीचर्स होते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं उनको 3 महीने की छुट्टियों की पेड लीव मिलती है। तो इसी तरह की छुट्टी, अगर आपको रिटायरमेंट की छुट्टी मिल रही है और उस पर आपको कोई अमाउंट रिसीव हुई है तो वो एग्जेम्प्ट होगी सिर्फ अगर वो हकूमत का नौकर है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर का है तो वो टैक्सेबल होगी। तो सुल्तान साहब को ऑटम 14 में मिल रही है लीव एनकैशमेंट 3 लाख रुपए की और उनको बेसिक सैलरी इतनी मिली है। तो अब आप सबसे पहले तो ये ढूंढें कि क्या वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, अगर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं थे तो सीधे सीधे ये पैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि लीव एनकैशमेंट जो है वो एक सिंपल टॉपिक है, उसमें कोई कैलकुलेशन करके वैल्यू ऐड नहीं करनी, सिर्फ ये देखना है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है। हम यहाँ पे देख लिख लेते हैं गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट और नॉन गवर्नमेंट टैक्सेबल। उसके बाद ये ऑटम 13 का क्वेश्चन है, मिसेज असलम जो थी उनको लीव एनकैशमेंट मिली है 95,000 की, ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है 50,000 पर मंथ का और 60% जो ट्रैवलिंग अलाउंस था वो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए मिला है, ठीक है। तो अब लीव एनकैशमेंट तो आपने अभी पढ़ा है, ट्रैवलिंग अलाउंस का पॉइंट मैंने इसलिए डाला है कि इसका ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। जो अलाउंसेज होते हैं, अगर तो हमने जैसे मेडिकल अलाउंस का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पढ़ा है, अगर हमने अलाउंसेस का स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट ना पढ़ा हो तो वो सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाते हैं। सिर्फ ये देखना होता है कि अलाउंस पर्सनल काम के लिए था या अलाउंस बिजनेस पर्पसेस के लिए था। जितना अलाउंस बिजनेस पर्पसेस के लिए था यहाँ पे 60% वो नॉन टैक्सेबल है क्योंकि उससे एम्प्लॉय को फायदा नहीं हुआ। 40% टैक्सेबल है क्योंकि 40% जो है वो टैक्सेबल है और 60% एग्जेम्प्ट है क्योंकि 60% पे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, वो ऑफिशियल कामों के लिए था। 40% ऑफ 50,000 जो था वो पर मंथ वो उनको अपना बेनिफिट मिला। तो ये किसी ने कमेंट किया है जी, लीव एनकैशमेंट ऐसे ऐड हो जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये उन सालों के पूरे पूरे न्यूमेरिकल्स हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं एक ही न्यूमेरिकल के। तो यहाँ पर मिस्टर मतीन को क्या मिला है, मिस्टर मतीन को 150,000 की लीव एनकैशमेंट मिली है। तो आप इस अमाउंट को सीधा सीधा टैक्स कर देंगे अगर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। फिर मिस्टर जमीर इंसारी थे, उनको लीव इन कैशमेंट मिली है 1,00,000 रुपए की, ठीक है जी। तो ये तो आसान हो गया। अब रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेच्युटी, तो जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं वो हम सारे के सारे यहां पर नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है ग्रेच्युटी जो वो बार बार पूछता है वो हम यहां पढ़ेंगे और बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो इजाज़ आप अपनी बुक पे मार्क कर लें कि यहाँ पर ये सेक्शन 3.1 पे हम एकदम से आ गए हैं, हम पर्क्स पढ़े थे सेक्शन 2 पे थे, तो हमने बाकी पर्क्स छोड़ दिए हैं, बाकी पर्क्स अब इसके बाद आएंगे जब हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो यूजली किस फॉर्म में होती है, ग्रेच्युटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड हमने कल डिस्कस किया था वो मिलता है, पेंशन मिलती है और कुछ एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाता है, वालेकुम सलाम जाकल्ला, कुछ एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाता है कि वो खुद से वॉलंटरली कहें कि जी हम नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि गोल्डन हैंडशेक, जब आप खुद से अपनी टर्मिनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ग्रेच्युटी जो है अगर वो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड से मिली है, अप्रूव किसने किया है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, अगर टैक्स वालों ने अप्रूव किया उस फंड को तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, आसान हो गया। अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुई है किसी अप्रूव्ड स्कीम से, अनअप्रूव्ड फंड से या अनअप्रूव्ड स्कीम से, तो वो एग्जेम्प्ट होगी लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है जी। तो अब आप ये देखें कि टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है, अगर तो अप्रूव्ड फंड है तो एग्जेम्प्ट हो गई, तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर अदर केस है तो फिर लिमिट्स लगेंगी। और वो लिमिट्स क्या है, वो लिमिट्स ये हैं
कि अगर तो वो हुकूमत का बंदा था तो उसको तो फुली एग्जेम्प्ट है, अगर वो ग्रेच्युटी फंड अप्रूव किया था कमिश्नर ने तो वो फुली एग्जेम्प्ट है। यही हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के पैसे हैं तो वो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, बेशक वो गवर्नमेंट के हों बेशक वो नहीं। तो ये तो आप पहले देख लें कि गवर्नमेंट का बंदा है तो वो तो सीधा सीधा एग्जेम्प्ट हो गया। फिर क्या वो कमिश्नर का अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है वो फुली एग्जेम्प्ट हो गया, या अगर वो अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम या फंड है तो फिर क्या होगा, आप एग्जेम्प्ट होंगे, दरमियान वाला मिस हो गया है, अगर तो वो ग्रेच्युटी स्कीम बोर्ड ने अप्रूव की है तो फिर वो 2 लाख रुपए तक की रकम अगर आपको मिली है तो उस पर टैक्स नहीं है। 2 लाख से ऊपर की जितनी अमाउंट है तो आप कैलकुलेशन जब करेंगे आप ग्रेच्युटी की अमाउंट लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 200,000 की अमाउंट और बाकी जितनी अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। और फिर अगर तो हम ये देख रहे हैं कि अगर अप्रूव्ड हो और दोबारा अगर अप्रूव्ड हो तो कितनी कितनी अमाउंट लेनी है, फर्क किस चीज का है। अगर फंड है कमिश्नर साहब ने अप्रूव किया है, अगर स्कीम है और बोर्ड ने अप्रूव किया है तो फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, यानी कि अगर एएफसी है अप्रूव्ड फंड ऑफ कमिश्नर, और अगर इसका बना लेते हैं हम बीएएफ बना लेते हैं बोर्ड की अप्रूव्ड स्कीम है तो 2 लाख रुपए तक, और फिर अगर अनअप्रूव्ड फंड या स्कीम है तो फिर आपने देखना है दो अमाउंट्स की लोअर वैल्यू, या तो वो 75,000 तक एग्जेम्प्ट होगा या वो 50% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिसीवेबल, जो भी इनमें से कम बनता है, यानी मैक्सिमम आपको कितनी एग्जेम्प्शन मिल सकती है 75,000 की, या अगर 75,000 से कम के पैसे बनते हैं तो उतनी आपको एग्जेम्प्शन मिल सकती है। तो ये याद करना ट्रिकी है, इसीलिए इसके फॉर्मूले बना लिया करें और शॉर्ट फॉर्म्स रख लें कि अगर गवर्नमेंट है फुली एग्जेम्प्ट हो गई, हाँ जी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो सीधे सीधे ही निकल गए, वो छूट गए, वो बख्शे गए हैं, उनको फुली एग्जेम्प्ट है। अगर अप्रूव्ड फंड बाय कमिश्नर है तो फुली एग्जेम्प्ट है, अगर बोर्ड अप्रूव्ड स्कीम है तो 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम एग्जेम्प्ट है, और अगर अनअप्रूव्ड है बेशक वो स्कीम है या फंड है तो आपने मैक्सिमम 75,000 तक लेना है, यानी कि जो भी कम है एक्चुअल अमाउंट का 50%, तो यहां पर भी एक्चुअल अमाउंट नहीं है, एक्चुअल अमाउंट का 50% या 75,000 जो भी कम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम 75,000 है और मिनिमम जो भी, अगर तो 50% मिनिमम बनता है तो फिर एक्चुअल ले लेंगे आप, जो भी 50% है एक्चुअल की मिनिमम, या फिर आप एक्चुअल 50% ज्यादा बनता है तो मैक्सिमम 75,000 की कैप है, उससे ज्यादा की आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। और एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी शैल नॉट अप्लाई, यानी कि ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी कब, अगर वो पेमेंट आपको पाकिस्तान में नहीं मिली, अगर वो पेमेंट किसी डायरेक्टर को मिली है जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, अगर पेमेंट किसी नॉन रेजिडेंट को मिली है, या अगर किसी ऐसे एम्प्लॉय को मिली है जिसको ऑलरेडी ग्रेच्युटी मिल सकती है, मिल चुकी है सेम या अदर एम्प्लॉयर से। तो कहने का मकसद ये हुआ, पहले हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करते हैं, अगर वो पाकिस्तान में नहीं मिली या वो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, तो ये रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान में नहीं रिसीव हुई या पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है तो उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वो फुली टैक्सेबल है। और फिर आप चेक करें कि डायरेक्टर अगर रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो वो फुली टैक्सेबल है, या फिर अगर उस एम्प्लॉय को ऑलरेडी ग्रेच्युटी मिल चुकी है और वो ऑलरेडी वो एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका है, यानी ये एग्जेम्पशन तो सिर्फ एक मरतबा आपको मिलनी चाहिए ना, अगर वो ऑलरेडी किसी भी ग्रेच्युटी उसको मिल चुकी है उसी एम्प्लॉयर से किसी भी और बंदे से और वो ऑलरेडी ये एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका है, तो उसको दोबारा जो अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर नहीं मिलेगी, पहली मरतबा जरूर मिलेगी लेकिन अगर उसको दोबारा ये अमाउंट मिल रही है फिर दोबारा ये एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। तो ग्रेच्युटी में आप देख रहे हैं कि ग्रेच्युटी का अपना एक ट्री बन जाएगा, अपना माइंड मैप पूरा बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स अपने हैं,
तो ये काफी लंबा आपको काफी सारी कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। इस सबका एक टेबल बना लें, एक माइंड मैप बना लें, ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लें, ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लें। तो मिसेज असलम को लीव एनकैशमेंट मिली थी 95,000 की, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ग्रेच्युटी मिली थी 500,000 की, अनरेकग्नाइज ग्रेच्युटी फंड से। तो अनरेकग्नाइज का मतलब है कि जिसको टैक्स अथॉरिटीज ने रेकग्नाइज नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। तो क्योंकि ये अनअप्रूव फंड की थी, जो आखिरी लिमिट थी 75,000 या 50% ऑफ 500,000, उसका जो भी लोअर है वो उनकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी और जो बाकी सारी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो आप 500,000 में से, ये 500,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे, लोअर निकालेंगे आप पहले 75% का और 50% ऑफ 500,000 का, जो भी लोअर होगा वो यहां से माइनस कर देंगे और बाकी जो अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी एज सैलरी। ठीक है जी। तो ये भी ख्याल रखना है कि ये जो एग्जेम्पशन मिलती है उसका मतलब ये कि इतनी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट में से माइनस कर लें, उसका ये मतलब नहीं है कि वो अमाउंट उठा के टैक्स में डाल दें। और फिर ऑटम 11 का क्वेश्चन है आपका, मिस्टर खुर्शीद साहब को 7.5 मिलियन का गोल्डन हैंडशेक मिला था और 9.1 मिलियन की अनअप्रूव ग्रेच्युटी फंड की ग्रेच्युटी मिली थी। तो आपने दोनों चीजों का दिखाना है, गोल्डन हैंडशेक का ट्रीटमेंट भी दिखाना है। अब गोल्डन हैंडशेक के लिए आपके पास पिछले 3 साल के रेट होने चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, चले यहाँ पर ना दिखाएं क्योंकि ये ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं ऊपर की असाइनमेंट में। यहाँ पर आपने ग्रेच्युटी का ट्रीटमेंट दिखाना है और फिर मिस्टर मतीन के ऊपर, मिस्टर मतीन को 280,000 मिले हैं इन कॉम्पनसेशन इन लू ऑफ अनसर्व नोटिस पीरियड। तो इसका ट्रीटमेंट भी आप देख लें, ये हमने वही पढ़ा था कि अगर आपको कॉम्पनसेशन मिलती है कि आपने जल्दी नौकरी छोड़ दी, ये एग्जाम्पल भी हमने कल डिस्कस की थी कि आपने क्योंकि नौकरी जल्दी छोड़ी है तो वो आपको कॉम्पनसेशन के तौर पे आपका नया वाला एम्प्लॉयर आपको एक्स्ट्रा पैसे देगा, तो ये सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। और फिर ग्रेच्युटी मिली है उनको 350,000 की अनरिकग्नाइज ग्रेच्युटी फंड से और उनको 150,000 की लीव एनकैशमेंट भी मिली है। तो आप ये देख रहे हैं कि एग्जामिनर को सबसे मुश्किल वाला जो ट्रीटमेंट है वो सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट्स में या तो वो फुली एग्जेम्प्ट था या फिर उसने मैक्सिमम लिमिट आपको बताई हुई थी 200,000 की। तो वो ये सारे केसेस नहीं पूछता आपसे क्योंकि ये आसान है, वो यूजली आपसे सबसे मुश्किल वाला केस पूछता है। और ये भी जरूर याद करके जाने हैं क्योंकि हो सकता है, लेकिन ये भी वो नहीं, ज्यादातर केसेस में नहीं पूछेगा क्योंकि इस केस में भी कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज फुली टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्योंकि एग्जेम्पशन वाली कैलकुलेशन 75,000 की और 50% ऑफ एक्चुअल अमाउंट की ज्यादा मुश्किल है, तो आपको यूजुअली वो यही पूछता है, उस पे सितारे लगा लें कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद करना है। और फिर मिस्टर जुल्फिकार को ग्रेच्युटी मिली है 2.66 मिलियन की अनरिकग्नाइज ग्रेच्युटी फंड से। तो अभी हम देख रहे हैं कि आईटीएफ हमेशा अनअप्रूव्ड अनरिकग्नाइज फंड का पूछता है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ ली, बेसिकली काफी सारे ट्रीटमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, ये वो मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स हैं कल के और आज के जो मिलाएंगे जब आप, तो आप कम से कम 65-80% ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सैलरीड इंडिविजुअल का पेपर में। तो कल आप देख रहे हैं हेडिंग हमने पढ़नी है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम इन द केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल। तो कल जिले सुभानी है हमारे साथ, नहीं जिले सुभानी लेक्चर के दरमियान चले गए थे और उन्होंने ऐड नहीं, दोबारा नहीं आए। तो कल के लेक्चर में आपने अपने पेन और पेपर जो है वो कांटे छुड़ियां अपनी तेज करके आनी है। कल हम ये सवाल देखेंगे कॉम्प्यूटेशन का मिस्टर बिबीन का, जिसमें वो सारे केसेस जो हमने अभी तक देखे हैं उसमें से काफी सारे केसेस अप्लाई होते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत पड़ जाए पूरा बड़े वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, लेकिन ये पूरी एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसमें से काफी सारी चीजें आपने अभी भी नहीं पढ़ी, थोड़ी सी चीजें आपने अभी नहीं पढ़ी, काफी सारी आपने पढ़ ली हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हर दिन हम आदत डालते जाएंगे आपको कि आपको न्यूमेरिकल पूरा पूरा सॉल्व करने की
क्योंकि पेपर में वो इतना लंबा न्यूमेरिकल होता है, बंदा करते करते ही थक जाता है। ठीक है, हाँ जी सरफराज, मैं आपके टेस्ट भी मार्क कर दूंगी। ठीक है, तो ये आज का और कल का असाइनमेंट अच्छी तरह से अगर आपको आती होंगी, इनका माइंड मैप अगर आप अच्छी तरह से कल के लेक्चर में आने से पहले इनका माइंड मैप अच्छी तरह से रिवाइज करके आना है। कल हम एक्चुअल कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस करेंगे जिस फॉर्मेट में हमने डिस्कस की थी कि हमने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो कल हमने यार किसी भी ईमेल पे सेंड कर दें, मेरे पे कर दें या नए वाले पे कर दें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम नए वाले पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, किसी पे भी कर दें अभी, ठीक है, दोनों पे कर दें ताकि मुझे भी पता हो और दूसरे वाले ईमेल एड्रेस पे भी चीजें आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जी असाइनमेंट भेजनी लाजमी है, क्योंकि डेली असाइनमेंट सॉल्व करने की आदत तब ही रहेगी और तब ही आप लोगों का न्यूमेरिकल जो है ना, वो आपका सेल्स टैक्स का और इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल के जब नंबर मिलाते हैं तो तकरीबन 40% जो पेपर है आपका वो न्यूमेरिकल का है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है आपके। तो इस वजह से रोज का ये असाइनमेंट करनी लाजमी है। किसकी मिस्टेक्स नहीं बताई मैंने, अच्छा असाइनमेंट की मिस्टेक्स नहीं बताई, तो वो भी आपको साथ साथ पता चलती जाएंगी। ठीक है, वो भी आपको साथ साथ पता चलती जाएंगी। अभी क्योंकि मेरे टीए का नंबर नहीं मुझे मिल रहा, तो टीए साहब को मैं बिठाऊंगी, मैं उसको बताती जाऊंगी और वो फिर आपको एक ईमेल लिख के बता देगा सारी चीजों की। ठीक है जी, तो असाइनमेंट्स करनी जरूरी है क्योंकि अगर आपको अपनी गलतियां नहीं भी पता चल रही, मिस्टेक्स नहीं भी पता चल रही, तो एटलीस्ट इतना फायदा तो है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू हो गए। बेसिक पर्पस दो ही हैं, एक तो प्रैक्टिस करने से आपको चीजें याद हो जाएंगी, दूसरा पर्पस ये है कि आप लोगों को आदत पड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, एंड में फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल ना लग रहा हो। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पेपर में पहला सवाल ही न्यूमेरिकल का उठा लेंगे, क्योंकि उनका ये सवाल अगर अच्छी तरह ना सॉल्व हुआ तो उनका बाकी सारा पेपर तो वैसे फेल हो जाना है इस खौफ से कि अब बाकी पेपर तो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी आदत बना रही हूँ, और दूसरा ऑब्वियसली आपकी मिस्टेक्स भी आपको बताऊंगी ताकि आप इम्प्रूव करें। तो डेली प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करें, बेशक वो चेक होके आ रही है या नहीं हो रही, ताकि एटलीस्ट आपको आदत पड़ जाए। तो आज हमने कन्वेंस का पढ़ा है, पर्सनल कन्वेंस, ऑफिशियल कन्वेंस, और दोनों अगर मिली हो तो क्या करते हैं, कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू का 0%, 5% या 10% लेते हैं। अकोमोडेशन अगर मिली हुई हो तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है अकोमोडेशन की, ये जो अमाउंट आपको मिलती है अकोमोडेशन की उसका, और 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी का हायर का जो भी वैल्यू हाई होती है वो लेते हैं। अगर सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी और रेंट लेता है एम्प्लॉई तो फिर उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कोई रेंट नहीं है तो हायर ऑफ 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू में जो भी हायर होगा वो लेना है। अगर मेडिकल की फैसिलिटी है तो, या फिर रीइंबर्समेंट होती है और वो इन अकॉर्डिंग विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और उसके बिल्स अटेस्ट होते हैं तो फिर वो फुली एग्जेम्प्ट है। अगर मेडिकल की अलाउंस के साथ साथ फैसिलिटी भी है तो मेडिकल की अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर मेडिकल की अलाउंस के साथ मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है तो 10% जो बेसिक सैलरी है वो एग्जेम्प्ट है। 10% ऑफ मेडिकल अलाउंस अप टू सॉरी 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट है, बाकी मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है। और फिर अगर आपकी लीव इनकैशमेंट है और लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है तो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो याद कर लेना कि उसकी तो अक्सर चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं, अक्सर, सारी चीजें नहीं। और फिर लीव इनकैशमेंट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है तो फुली टैक्सेबल है। रिटायरमेंट बेनिफिट में हमने ग्रेच्युटी पढ़ी है कि ग्रेच्युटी अगर अप्रूव्ड फंड की है या अप्रूव्ड स्कीम की है, अगर तो अप्रूव्ड फंड है कमिश्नर का फुली एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है फुली एग्जेम्प्ट है। अगर बोर्ड की अप्रूव्ड स्कीम है तो 200,000 की अमाउंट तक, सीधी 200,000 की अमाउंट माइनस हो जाएगी, उतनी एग्जेम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। अगर ग्रेच्युटी अनअप्रूव्ड फंड या स्कीम की है जो हमेशा आता है तो आपने लोअर लेना है 75,000 का या 50% ऑफ एक्चुअल अमाउंट का, और 4 केसेस भी चेक करने हैं। अगर तो वो केसेस होंगे नॉन रेजिडेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, या फिर डायरेक्टर नॉन रेगुलर एम्प्लॉई,
या फिर अगर एम्प्लॉई ऑलरेडी रिसीव्ड ग्रेच्युटी समवेयर एल्स, तो फिर वो चीज फुली टैक्सेबल हो जाएगी, कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी। अब सरफराज का सवाल आया है, एक सेकेंड जी, मेरा पॉइंटर जो है ना वो स्क्रीन पे ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये क्या बात हुई? अच्छा सरफराज, आप प्लीज अपना सवाल दोबारा लिख दें, क्योंकि मेरा जो पॉइंटर है वो एक लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा। रुके, मैं टच स्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ, कब फायदा होगा हमें टेक्नोलॉजी का, टच स्क्रीन इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपका सवाल मुझे क्या आया है, आपका सवाल मुझे क्या आया है, सरफराज का सवाल है कि मिस क्या आप सिर्फ टीचिंग करती हैं क्वालिफाई करके? तो सरफराज, मैं सिर्फ टीचिंग करती हूँ क्वालिफाई करके, और मैं पूरा दिन टीच नहीं करती, मैं सिर्फ दो लेक्चर्स पढ़ाती हूँ, टैक्स का और ऑडिट का, ठीक है? तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं लॉ भी पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन मेरी कोशिश अभी यही होगी कि मैं अभी दो सब्जेक्ट ही पढ़ाऊं, ठीक है? और कोई सवाल? आपका अगला सवाल, एक तो नमाज का टाइम हो गया, जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है, ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यहीं पे अपना खत्म करते हैं। के हमने आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो कल अच्छी तरह से तैयार होके आने चाहिए, असाइनमेंट सॉल्व होनी चाहिए टाइम पर, ताकि कल हम कॉम्पिटिशन सॉल्व करना सीख जाएं। चलें जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़। Not working.